हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान फॉर यू। दोस्तों, इस चैनल पर आप देखेंगे आध्यात्मिक देश और दुनिया से जुड़ी कुछ कहानियाँ और उन कहानियों से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियाँ। ऐसे ही आज की हमारी वीडियो का विषय है, इस मंदिर में अपना सिर चढ़ाते थे राजा विक्रमादित्य, हर बार जोड़ देती थी देवी। मध्य प्रदेश के धार्मिक नगरी उज्जैन में स्थित हर सिद्धि देवी का मंदिर देश के शक्तिपीठों में से एक है। यह वह देवी है जो राजा विक्रमादित्य की आराध्य थी और राजा अमावस की रात को विशेष पूजा अनुष्ठान कर अपना सिर चढ़ाते थे, मगर हर बार देवी उनके सिर को जोड़ देती थी। मान्यता है कि सती के अंग जिन 52 स्थानों पर अंग गिरे थे, वे स्थान शक्तिपीठ के में बदल गए और उन स्थानों पर नवरात्र के मौके पर आराधना का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि सती की कोनी उज्जैन में जिस स्थान पर गिरी थी, वह हर सिद्धि शक्तिपीठ के तौर पर पहचानी जाती है। पंडित बद्री प्रसाद पाठक कहते हैं कि वह स्थान है जहां आने वाले हर व्यक्ति की मनोकामना पूरी होती है। यहां राजा विक्रमादित्य अमावस की रात को विशेष अनुष्ठान करते हैं और देवी को प्रसन्न करने के लिए अपना सिर चढ़ाते थे। माता हर बार उनका सिर जोड़ देती थी। माता हर सिद्धि सुबह गुजरात के हरसद गांव स्थित हर सिद्धि मंदिर जाती है तथा रात्रि विश्राम के लिए शाम को उज्जैन स्थित मंदिर आती हैं। इसलिए यहां की संध्या आरती का विशेष महत्व है। माता हर सिद्धि की साधना से समस्त प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं, इसलिए नवरात्रि में यहां साधक साधना करने आते हैं। महाकाल के मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार के दोनों ओर भैरव जी की मूर्तियाँ हैं। गर्भगृह में 3 मूर्तियां हैं, सबसे ऊपर अन्नपूर्णा, मध्य में हरसिद्धि तथा नीचे माता कालका विराजमान है। इस मंदिर का पूर्ण निर्माण मराठों के शासनकाल में हुआ था। यहां 2 खंभे हैं जिस पर द्वीप प्रज्वलित किए जाते हैं। देवी के भक्त सच्चिदानंद बताते हैं कि उज्जैन में हरसिद्धि देवी की आराधना करने से शिव और शक्ति दोनों की पूजा हो जाती है, इसलिए ऐसा स्थान है जहाँ महाकाल और माँ हरसिद्धि के दरबार है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस चैनल के माध्यम से रोचक जानकारी दे सकें। आप अपने सुझाव हमें कमेंट में भेजिए। अगर आप किसी तथ्य के विषय में जानकारी चाहते हैं तो भी हमें कमेंट बॉक्स में भेजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।